क्लास में हम देखे थे, लास्ट क्लास में हम देखे थे लोहित सीमेंट का बारे में, और लोहित सीमेंट के का जो हम यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है, मास कंक्रीटिंग में मेनली हम उसका यूज करते हैं, जो भी डैम्स बनते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर से रिवायर बनते हैं, फाउंडेशंस बनते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं लोहित सीमेंट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक टर्म देख रहे हैं हम, पोजोलाना। पोजोलाना क्या है? तो हम ये जो हमारा जो पोजोलाना है ये क्या है, एक वोल्केनिक पाउडर है। वोल्केनिक पाउडर क्या कहता है, जो हमारा जो पोजोलाना है वो क्या है, एक वोल्केनिक पाउडर है। तो ये जो होता है, जो हमारा जो पोजोलाना होता है, कि ये क्या होता है, या तो सिलिशियस कंपाउंड होता है, सिलिशियस मतलब बालू का कंपाउंड हो गया, और एल्यूमिनस जिसमें हम क्ले बोल दें, एल्यूमिनस कंपाउंड होता है, या तो सिलिशियस कंपाउंड होता है और एल्यूमिनस कंपाउंड होता है। ये हमारा जो कंपाउंड है, जो पोजोलाना जो हमारा जो कंपाउंड है, ये क्या करता है कि खुद कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं लेता है, ये नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अगर हम ऐसे ही देखें, अगर हम ऐसे ही इसको हाथ में लें और बोलें कि हम इसको यूज करेंगे एक बाइंडर की तरह, तो आप पर सब हंसने लगेंगे, क्योंकि ये कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, तो ये नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको अगर हम इंटरग्रिंड करते हैं, मतलब महीन पीसते हैं, किसके साथ, किसके साथ, सीमेंट क्लिंकर्स के साथ, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारा हमारा जो जब सीमेंट रिएक्शन करता है, तो जो लाइम रिलीज करता है उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करके, या उसके साथ हाइड्रेशन के साथ पार्टिसिपेट करके, और क्या करता है, और क्या करता है कि इसमें ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो हमारे बाइंडिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जो हम जब पोर्टलैंड जो पोजोलाना है, तो ये क्या है, नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो हम बोलेंगे कि बट व्हेन पोजोलाना वट वेन पोजोलाना इज फाइनली ग्राइंडेड देन इट रिएक्ट्स विथ द लाइम रिलीज्ड during the hydration of cement in the presence of water and lead to the formation of the compound which possesses winding property। मतलब ये क्या करता है, ये winding property को show करता है। जैसे जब इंटरग्रेंड करते हैं तो हम इसमें क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, पोजोलाना की जगह सुर्खी हम यूज करते हैं,
जो अगेन क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रिक्स है, जो सॉयल से हम ब्रिक्स बनाते हैं, तो वो ब्रिक्स को हम इंटरग्रीन्ड करके हम इसमें सीमेंट्स में यूज कर सकते हैं, जो कि क्या कर सकता है, पोजोलाना मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इसमें अगेन है क्या, राइस हस्क एस, उसके बाद हमारा क्या फ्लाई एस स्लैग है, ये सबको हम पोजोलाना मटेरियल, पोजोलोनिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जो कि क्या है, ऐसे तो ये क्या है, ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, और जब इसको इंटरग्रिंड करेंगे तो ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम जब इस सीमेंट को, जो हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाई इंटरग्रिंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स विथ 10 to 15% पोजोलैनिक मटेरियल्स। तो 10 to 15% हम ऐड करते हैं, जो कि हमारा जो सीमेंट क्लिंकर्स है उसमें 10 to 15% हम ऐड कर देंगे, तो ये पोजोलैनिक मटेरियल कहते हैं, यूज पोजोलैनिक मटेरियल क्या करेगा, हमारा फॉर्मेशन कर देगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का। तो गाइज हमारा क्या है कि ये जो हम जब ये पोजोलाना डालेंगे तो हमारा इससे क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सीमेंट डालने का, क्या एक हमारा बहुत मेन फंक्शन है कि वाइंडिंग एक्शन को शो करेगा, तो हमारा तो वाइंडिंग एक्शन को शो कर ही रहा है। तो दिस सीमेंट ऑफर्स ये क्या का प्रॉपर्टी शो करता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो पहला हम बात कर देंगे हाई रेसिस्टेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड। क्या होता है कि जो हमारा पोजोलोनिक मटेरियल होता है, एक इनर्ट टाइप का मटेरियल होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो हमारा क्या होगा, ये अच्छी बात है, क्या हमारा डिफरेंट जो हमारा कंडीशन आता है, मेनली जो सल्फेट अटैक होता है वो बहुत स्ट्रक्चर के लिए बहुत खराब होता है, उससे हाई एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर फेल होता है। तो हमारा क्या बोल सकते हैं, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड हाई रेसिस्टेंस देता है। दूसरा हम बात करते हैं हाई वाटर टाइटनेस, मतलब ये पानी को फ्लो होने से बहुत बहुत कम होने देता है, इसका ये मतलब हुआ हाई वाटर टाइटनेस मतलब। तीसरा हम बात कर देंगे लो कॉस्ट, क्योंकि हम के जो पोजोलैनिक मटेरियल है वेस्ट मटेरियल, तो हम क्या करते हैं वेस्ट बोल दें, या हम बोल दें कि ये वेस्टफुल मटेरियल है, हम उसका कोई यूज नहीं करते, तो वो मटेरियल यूज करेंगे क्या, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो कॉस्ट होगा सीमेंट का वो कम होगा। अब चूंकि हम क्या कर दे रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, जो कि एक तरह से क्या है कि जब इंटरग्रिंड होता है तो हमारा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ये जो मटेरियल होता है ये हमारा जो हमारा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है उसको कम कर देता है, क्योंकि हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलेगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अगला हम बात कर देंगे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, अगेन हम बात कर दिए कि ये तो हीट रिलीज करना नहीं है पोजोलैनिक मटेरियल को, तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में,
पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट के बारे में। अब गाइज बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर सीमेंट के बारे में। ये हम बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो गाइज इसमें हम देख रहे हैं सेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेटिंग मतलब क्या होना चाहिए? सेटिंग बहुत जल्दी होना चाहिए। और गाइज बताइए सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कमेंट फर्स्ट कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हायरी। सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? C3A रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? C3A कंपोजिशन को क्या कर देंगे? हम इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? इट इज प्रोड्यूस्ड बाई इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना एंड डिक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम। तो हम क्या करें, जल्दी सेट होना चाहते हैं और जिप्सम क्यों किसे डालते हैं कि सेटिंग प्रॉपर्टी को क्या करें, सेटिंग का टाइम को क्या कर दे, प्रोलॉन्ग कर दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2-3% जिप्सम डालते हैं ओपीसी में। तो हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि नहीं जल्दी सेट हो जाए, तो जिप्सम का अमाउंट क्या करेंगे, कम करेंगे, और C3 का अमाउंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जब हम बात कर देंगे जल्दी सेट हो जाएगा, इसका मतलब जो इसका जो प्लास्टिसिटी होगा वो जल्दी लॉस होगा। किसके स्वेट में? ओपीसी के स्वेट में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इट लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी कंपैरेटिवली अर्लियर देन ओपीसी ओपीसी से पहले लेगा। बट अटेन्स द स्ट्रेंथ एट द सेम रेट। मतलब हम बात करेंगे कि अगर हम बात कर देंगे कि स्ट्रेंथ जो गेन करेगा वो जितना ओपीसी 7 डेज में करेगा उतना ही क्विक सेटिंग सीमेंट 7 डेज में करेगा। लेकिन हम अगेन बात किए सेटिंग का, सेटिंग डजेंट मीन दैट योर हार्डनिंग, मतलब सेटिंग डजेंट मीन दैट योर स्ट्रेंथ नहीं, ये प्लास्टिसिटी लूज होगा, मतलब जल्दी सेट हो गया। मतलब एक शेप से दूसरे शेप में बदलने के लिए आपके पास कम टाइम है, क्योंकि जल्दी सेट हो जा रहा है, जल्दी इसका क्या हो रहा है, प्लास्टिसिटी लूज हो जा रहा है। मतलब इसका अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो गाइज इसका इनिशियल सेटिंग टाइम पता है कितना होता है? 5 मिनट होता है। अगेन बहुत कम होता है, 5 मिनट्स। और जो हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम ये हमारा होता है 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा क्या होता है? 5 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा क्या होता है? 30 मिनट्स। मतलब हम क्या बना दिए कि सब कंपोनेंट्स मिला दिए हैं, उसमें वाटर डालते ही 5 मिनट में वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब ऐसा जगह यूज करेंगे जहां पर हमको बहुत जल्दी सीमेंट को सेट हो जाना चाहिए। मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में अब नहीं बदल सकता है। तो कहां पर करेंगे इसका यूज? तो इसका जो एप्लीकेशन है गाइज, इसका जो आपका जो एप्लीकेशन है, ये हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। मतलब हम बात करेंगे
कि अगर हमको पानी के अंदर कॉन्क्रीटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इस क्विक सेटिंग सीमेंट का हम उपयोग करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, ग्रॉटिंग पर्पसेस, ग्रॉटिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। ग्रॉटिंग ऑपरेशंस के लिए भी हम इस क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। अगला हम सीमेंट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। तो अगेन यहां पर क्या है, सल्फेट जो अटैक होता है उसको रेसिस्ट करने के लिए हम उसमें कुछ कंपाउंड्स को चेंज करेंगे ताकि वो क्या करे, सल्फेट के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेसिस्ट करे, सल्फेट अटैक को क्या करे, रेसिस्ट करे। क्या होता है गाइस, जो हमारा जो ओपीसी होता है उसमें जो हमारा जब हाइड्रेशन हो जाता है सीमेंट का, तो उसमें कुछ फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, कुछ बचेगा हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनियम बचेगा, जो कि क्या होगा, फ्री फॉर्म में रहेगा। ये क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। कौन कौन कंपाउंड बना दिया, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, हमारे वॉल्यूम चेंज के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आपका सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक में क्या होता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या करते हैं, वॉल्यूम चेंज के लिए वो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि जहाँ पर सल्फेट प्रोन एरिया है वहाँ पर तो हमको अब कॉन्क्रीटिंग करने में दिक्कत होगा, तो हम ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जहाँ पर सल्फेट जो अटैक होगा वो मिनिमम टू मिनिमम होगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या रहे, सेफ रहे। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which offers high resistance against the attack of sulfur। अब जो हमारा क्या होता है कि इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो सल्फर अटैक के लिए जो हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन कौन होता है, हमारा C3A होता है एंड C4F होता है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि अगर हमको सल्फेट रेसिस्टिंग बनाना है तो इस दोनों का जो हमारा परसेंटेज होगा हमारे सीमेंट क्लिंकर्स में, या हम बोल दें सीमेंट्स में जो बॉक्स कंपाउंड है उसमें C3 एंड C4F के परसेंटेज को कमाएंगे। ये जो C3A क्या करता है, ये रिएक्शन करके सल्फेट के साथ रिएक्शन करके इट्रिंगेट का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारा सल्फेट अटैक कहलाता है। तो हम बात करेंगे कि इस C3A को हम क्या कर दें, बिलो 5% कर दें। इस सीमेंट में हम क्या करते हैं, इस C3A परसेंटेज को कमाते हैं। तो इन दिस सीमेंट C3A इज नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा नहीं रखते हैं इसको, देख रहे हैं बहुत बहुत कम कर दिए इसको। और जो हमारा अगर हम बात कर दें C4F का, तो 2C3A प्लस C4F का जो कंबाइनली जो हम फॉर्म बोल रहे हैं, ये नॉट मोर देन, नेवर मोर देन कितना होना चाहिए, 25%।
तो यहाँ पर हम देख लिए, ये हम देखें सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका, अगर इनिशियल टाइम के बारे में बात कर देंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात कर दें, तो ये होता है हमारा लेजन इक्वल टू 30 मिनट। इनिशियल सेटिंग टाइम लेजन इक्वल टू 30 मिनट, और जो हमारा होता है फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 600 मिनट, मतलब 10 आवर से ज़्यादा यह बराबर होता है। तो दोस्तों अब इसका हम अप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर हमारा क्या होगा सल्फर का हमको मात्रा अच्छा खासा रहेगा। इसका जब हम अप्लीकेशन की बारे में बात कर दें, जहाँ पर हमारा सल्फर का अमाउंट अच्छा खासा होगा, मतलब मोर प्रोन टू सल्फर अटैक, तो हमारा कहाँ कहाँ रहेगा। तो पहला हम बात कर दें सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में, वहाँ पर हाई अमाउंट में क्या रहता है, सल्फर रहता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट में, और कहाँ बात कर देंगे, और बात कर देंगे मैरीन कंस्ट्रक्शन में, मतलब समुद्र के आसपास हम कंस्ट्रक्शन करेंगे या समुद्र में कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होता है सल्फर का अमाउंट हाई रहता है, तो हमको सल्फेट रेसिस्टिंग बनाना होता है। फिर हम क्या बात कर देंगे फाउंडेशन वर्क में, जहाँ पर हमारा हमारा जो भी जो सॉइल है वहाँ पर सल्फर की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सल्फर अटैक करेगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। अगला हम बात कर देंगे व्हेन पाइप इज टू बी लेड इन मार्सी एरिया, अगर हमारा क्या हो मार्सी एरिया में हम पाइप का हम कंक्रीट पाइपिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। तो अगर हम इसका बात कर दें कि आईएस कोड में हमको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ये हमको इसका डिस्क्रिप्शन हमको मिलेगा आईएस 12330-1998 में इसका डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीमेंट के बारे में, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो नाम से ही दिख रहा है कि आपको क्या स्लैग उपयोग कर रहे हैं, और कहाँ से ब्लास्ट फर्नेस से। तो दोस्तों अब जब हम पिग आयरन में जो हमारा जो इम्प्यूरिटीज निकलता है पिग आयरन का, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं पिग आयरन का, जब हम फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा जो फर्नेस से, जो ब्लास्ट फर्नेस से जो हमारा इम्प्यूरिटी निकलता है, उसी को हम क्या करते हैं स्लैग कहते हैं। और इस स्लैग का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, हम सीमेंट बनाने में करते हैं। तो हम बात करेंगे ये कैसे बनता है ये सीमेंट, तो हम बात करेंगे इट इज ऑप्टेंड वाई इंटरग्राइंडिंग, मतलब साथ में पीसेंगे, इंटरग्राइंडिंग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये हम लेते हैं अबाउट 60-65%। हार्ड वर्न्ट जिप्सम, हार्ड वर्न्ट जिप्सम एंड सीमेंट क्लिंकर्स। तो हम क्या करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हम लेंगे, हार्ड वर्न्ट जिप्सम लेंगे एंड सीमेंट क्लिंकर्स लेंगे, इसको साथ में हम क्या कर देंगे इंटरग्राइंड कर देंगे, मतलब पीस देंगे, तो इस सीमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगेन इसमें हम क्या कर दिए कुछ इम्प्यूरिटीज का उपयोग कर दे रहे हैं। तो इसका जो हमारा क्या होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है जो अर्ली डेज में कम होता है, तो हम बोलेंगे इस स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज इज डेथ। तो हम बात कर देंगे स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज इज लेस,
मतलब अगर अर्ली डेज में लेस हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये ज़्यादा टाइम लेगा किसमें, हाइड्रेशन होने में। मतलब क्या हुआ, जब ज़्यादा टाइम लेगा हाइड्रेशन होने में तो हमको ज़्यादा दिन इसका क्यूरिंग करना पड़ेगा। हेंस इट रिक्वायर्स longer curing period। अब दोस्तों इसमें भी हम कुछ इम्प्यूरिटीज का उपयोग कर ले रहे हैं, जो कि अगेन क्या है, कुछ जो इम्प्यूरिटीज है वो हमारा पिग आयरन का जो इम्प्यूरिटीज है उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, सीमेंटिंग मटेरियल में यूज कर रहे हैं। तो अगेन उसमें क्या रहेगा, कुछ इनर्ट मटेरियल रहेगा जो कि हमारा रिएक्शन हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह जनरेट नहीं करेगा। तो हमारा क्या होगा, इसमें क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस। तो हम बोलेंगे दिस सीमेंट ऑफर्स पहला बात कर देंगे हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड। दूसरा बात करेंगे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। तीसरा हम बात कर देंगे लो कॉस्ट। अगेन क्या कर रहे हैं कि हम ब्लास्ट फर्नेस का इम्प्यूरिटीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कम आएगा। तो लो कॉस्ट, तो इट इज बहुत सारे हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स में। तो टुडे का आज हम लास्ट एक सीमेंट देखते हैं, आज का लास्ट है हमारा व्हाइट सीमेंट। तो गाइज आप देखते होंगे कि घर में व्हाइट सीमेंट आता है जब क्या रहता है, कब आता है, जब आप फ्लोर फिनिश करते हैं, फिर करके प्लास्टिंग वर्क के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, फिर से टाइल्स वगैरह को हम सेट करने में करते हैं, उसको हम जो लगाने में क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाइट सीमेंट होता क्या है। जब इसका अगर डिस्क्रिप्शन की बात कर दें तो आप बात करेंगे IS 8042-1989। तो हम बात कर देंगे, जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, एक टाइप है ऑर्डनरी सीमेंट, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो कह देंगे इट इज अ वैरायटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। तो ये जो आपका जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे मटेरियल से जो फ्री होता है कलरिंग ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमियम को। तो हम बोल दें कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम such raw materials which are practically free from coloring ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमियम। तो इसमें जब हम ध्यान रखेंगे कि जो भी कंपाउंड यूज करेंगे इसके रॉ मटेरियल के लिए, तो उसमें जो हमारा जो
मटेरियल होगा उसमें जो कलरिंग कलर जो देता है उससे फ्री होना चाहिए, मतलब जैसे कलरिंग ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्रोमियम हो गया। तो इसमें जो हम जो सीमेंट देखते हैं, तो देखते हैं कोयला से बनाइए खाना तो आपका बर्तन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा ना। अगर ऑयल फ्यूल का उपयोग कीजिएगा तो बर्तन तो काला नहीं हो। तो अब अगर हम कोल का उपयोग करेंगे तो उसके कारण हमारा क्या होगा, ब्लैक की शेड जाएगा, मतलब ग्रेज कलर का जो आया हमारा। तो हम इसमें जो यूज करते हैं, जो हमारा फ्यूल जो यूज करते हैं वो हम ऑयल फ्यूल यूज करते हैं। तो फॉर वर्निंग ऑयल फ्यूल इज यूज इंस्टीड ऑफ, जो कि हम जो ओपीसी या हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ऑर्डिनरी सीमेंट बनाते हैं तो हम कोल का उपयोग कर लेते हैं जो कि सस्ता होता है ऑयल फ्यूल से। तो अगेन बात कर देंगे, ये हमारा जो सीमेंट हमारा जो कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करते हैं, जो ओपीसी अगर हम मेनली बात करते हैं तो ओपीसी से बहुत ही क्या रहेगा, कॉस्टली रहेगा हमारा सीमेंट ये। तो हम इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम बात करेंगे इट इज यूज फॉर कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर हमको देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो हम बात कर देंगे फ्लोर फिनिश का, किसका बात कर देंगे, प्लास्टर वर्क का, ऑर्नामेंटल वर्क का, पीटीसी। तो गाइज यहां पर हमने व्हाइट सीमेंट के बारे में देखा, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज थैंक यू।